सरकार उन किसानों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जो अपनी खेती की जमीन को बिजनेस के उद्देश्य से किसी कंपनी या किसी शख्स को लीज पर या किराए पर देते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए जमीन देने वाले भी शामिल होंगे। सरकार ऐसे लोगों को जीएसटी के दायरे में लाने जा रही है। ऐसे किसानों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इंडिया 24/7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। बैठक में कृषि आय, किसान और कृषि मजदूर की परिभाषा तय की जा चुकी है। हालांकि कृषि आय पर आयकर कानून के मुताबिक ही छूट मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक किसानों से सीधे उत्पाद खरीदने वालों को टैक्स चुकाना होगा। हालांकि खरीदार को रिटर्न दाखिल करते समय इनपुट क्रेडिट मिलेगा। वहीं खुद खेती करने वाले किसान जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे।